वाहिगुरु साहिब जी। अमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल। सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे, गुरु नाम निध दरियाउ जन्म हम कालुख तुवे। सो कहो टल गुरु सेविए अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरना दुख जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा बाणी भगत धन्ने जी की। परमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं तीरे। लालच बेख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभु हीरे। परमत फिरत बहु जन्म बिलाने, ताना मन तन नहीं तीरे। लालच बेख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभु हीरे। रहाउ बिक फल संच बिक फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनफाती। जन्म मरना फिर तानिया, जुगत जाना नहीं हृदय निवासी। जगत जाल जम फंद परे, बेख फल संच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरै तन दिया। ध्यान मान मन एक मई, प्रेम भगत मानी सुख जानिया। तृप्त अघाने मुक्त पाए, जोत समाए समानी जाके। अशली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तार। मेल जाना संत समानिया, जोत समाए समानी जाके। अशली प्राप पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तार। मेल जाना संत समानिया, परम सम्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन गोद अंदर जुड़ बैठे सत्कार योग सतसंगी जनों, सिखी लहर के जथे वालों फतेह यूथ क्लब के समूह वीरां दे सहयोग नाल 28 तरीक तो लैके 6 जुलाई यानी कि कल शाम तक हुशियारपुर शहर के नाल लगते वक्ख-वक्ख पिंडां विच सवेरे शाम के दीवान रखे गए हैं।
जिस लड़ी के तहत अज शाम का दीवान आप जी के इस इलाके गुरुद्वारा साहब सजाया गया है। दीवान की आरंभता सतगुर की पावन बाणी के पाठ तो हुई है। भाई साहब हुणा भाई गुरजन सिंह जी रूपोवाली ने गुरमत दियां विचारां आरंभ विच साढ़े सारे नाल सांझियां कीतियां हन। आओ मेरे तो बाद भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा उन्होंने भी साढ़े नाल गुरमत दियां विचारां की सांझ करनी है। उस तो उपरंत भाई सुखविंदर सिंह जी ददेर जो संगतां वल्लों गुरबाणी इतिहास प्रति कोई विचार चर्चा कोई सवाल होणगे उन्हां दे जवाब सतगुर की बाणी की कसवटी ते संगतां दे नाल सांझे कीते जाणगे। आओ कुछ समा सतगुर की पावन बाणी की विचार नाल सांझ पाईए। हुणे आपां शब्द सरवण कीता है जो 15 भगतां विचों एक भगत भगत धन्ना जी की रसना तो उच्चारण किया होया। राग आसा अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 487 उपर यह शब्द सुभायमान है। भगत जी के कुल 3 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर हैं। आप जी ने जेडे बाणी पढ़ते हैं उन्होंने पता होएगा कि भगत धन्ना जी बारे जो मनौत या जो प्रचलित गल यह है कि भगत धन्ना जी ने पत्थर विचों रब की अकाल पुरख की ठाकुर की प्राप्ति की है, आम जिहड़ी प्रचलित गल है। पर वास्तव विच यह गल सतगुर की बाणी की कसवटी ते खरी नहीं उतरती। जो सतगुर की बाणी है वह पत्थर की पूजा की जिहड़ी है मानता रद्द करती है, सगों जिहड़े पत्थर की पूजा करते हैं उन्हां बारे सतगुर की बाणी यह कहती है जो पाथर की पाई पाए ताकि घाल अजाई जाए, भी उन्हां दी सारी कीती हुई मेहनत खत्म हो जाती है जिहड़े पत्थर की पैरी जाके पैंदे हन, पाप जिहड़े पत्थर दे अगे जाके हाथ जोड़ते हैं। इत्थों तक कि बार बार सानू शब्द सतगुर की बाणी दे इदां दे मिलते हैं भी घर में ठाकुर नजर ना आवे, गल में पाहन लै लुटकावै, भरमे पूला साकत फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता। अनेक शब्द सतगुर की बाणी विच इस तरह के हैं जिहड़े सानू इस गल की जिहड़ी हैं साडी अगवाई करते हैं कि सतगुर की बाणी का सिद्धांत की है। आओ भगत धन्ना जी की रसना तो उच्चारण किया होया राग आसा का यह शब्द आपां हुणे बड़े प्यार नाल टिका विच बैठ के पाठ किया है, सरवण किया है। आओ विचार सांझे करन तो पहला सारी संगत अदर सत्कार दे नाल इक वार कहणते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए। सारी संगत अदर सत्कार नाल आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ सात संगत शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बार शब्द दियां रहाव वालियां तुकां नूं रल के पढ़ लईए तां कि साडा मन इधर उधर भटकण की बजाय शब्द की विचार सुन योगा हो सके, तैयारी कर सकी है मन की कि असी शब्द की विचार के नाल नाल तुर सकी। सारी संगत रल के इन्हां तुकां दा पाठ करिए। निम्रता सहित बेनती है, हर बार बेनती की जाती है भी समागम सिर्फ तुसी नहीं सुन रहे, इस सिखी लै रेडियो के राही इंटरनैट माध्यम के राही घर बैठे देश विदेश में पता नहीं कितने कितने सिख संगत सरवण कर रही है, जिन्हों पता है हर दिन आए दिन गिनती वही जा रही है क्योंकि साढ़े को जिन्ने क साधन हैं उन्हों मुताबक संगतों तक वो तो वैसेज पहुँचाने का यत्न किया जाता है। धन्यवाद करना चाहिए सानू अकाल पुरख का कि साढ़े को साधन एडे वधिया हैं भी असी एक जगह गल करते हैं तो हजारों लखां व्यक्तियों तक इक्के वार गल जा सकती है। कितनी मेहनत करनी पई होगी साढ़े उन्हां महान पुरखियों नूं जिन्हां नूं कल्ले कल्ले दे दरवाजे ते जाके गुरमुख समझाउण वास्ते पैदल तुरना पिया, बिखड़े पैंडियां थाणी उन्हां नूं सफर तय करना पिया, कितना मेहनत की कभी अंदाजा ला के वेखो। जिवें पुरातन समय अंदर घर बनाउण लग्यां सुख सहूलतां पैदा करन लग्यां साडियां पुरखियां नूं मेहनत करनी पई, सेम उदां ही पुराणियां साडियां बजुर्गों नूं गुरुआ नूं सिखां नूं इह प्रचार वास्ते बड़े ही कठिन घालनावां घालनियां पई। अज तां साडे कोल साधन ही बड़े प्यारे हन, अज हर बंदे नूं घर विच किताबां भी लिखण की लोड़ नहीं, इंटरनैट तो पढ़ सकदा है, जिद घर इंटरनैट नहीं किताबां घर खड़ सकदा है। किन्ना किन्ना साहित साडे घरां विच है, तुसीं भाई कान सिंह नाभा दा मारतंड लै जाओ घर विच हर विषय की विचार सानूं उहदे विचों प्राप्त हुंदी है। जे ज़्यादा नहीं ना असीं मारतंड ही अपने घर विच रख लईए ना, जिन्ने साडियां परिवारां विच असीं सवेर तो लैके शामां तक निक्के निक्के भरम करदे आं ना, ते जिहड़ियां भैणां घर विच जिन्हां कोल टाइम हुंदा बह के विषय दे नाल तुसीं उह विशा लै लो पढ़ लो
तो निक्किया निक्किया गल्लां उहदे विच खोल के समझाइया हुई बाकी भी तो गल्लां असीं पढ़ ही लैंदे हाँ अपने घरां विच तुसीं राशी फल रखी हुंदी है जंतरियां रखियां हुंदियां कितना कुछ असीं आप जिन्हां दा सानूं लोड़ भी नहीं वह भी कई बार असीं सहत अपने घरां विच इकट्ठा कर लैंदे हाँ तो जिहदी जिहड़े सानूं ज्ञान देना वह चीज़ां असीं अपने घर विच रखण नूं तैयार नहीं जे अस्पताल तों मिल जाण ठीक है नहीं तो जिथे भी कितें शहर जाओ मारतंड अपने घर में लिया के जरूर रखो भाई गुरदास जी दियां कबित ते वारां लिया के घर रखो बाणी दियां सेंचियां अपने घर में लिया के रखो कहण दा भाव है जिन्ना भी असीं आसे पासों ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं ये ज्ञान ही एक ऐसी जिहड़ा साडे विचार बदलता है मनुख तो वो रहिंदा है शरीर वो रहना हाथ पैर वो रहने विचार बदल जाने ने वह शरीर कबरां अगे झुकता है वह शरीर ने मुड़ के शब्द गुरु की विचार लैके सही काम करन लग पैणे आओ दुबारा ना कहना पवे दास जिथे पढ़ेगा आप सारी संगत ने गज के पढ़न का यतन करना ताकि तुहाड़ी आवाज भी इस माइक राही संगत श्रवण कर सकन कि सतगुरु की बाणी पढ़न वाली संगत बैठी है आओ रल के सारी संगत इन्हां तुकां का पाठ करिए जी परमत फिरत बहु जन्म बेलाने परमत फिरत बहु जन्म बेलाने सास जी संघ जी आ रही मैं लगता बाणी पढ़ लगे हैं वैसे तो इलाका इन्ना वधिया भी असं तो बहर माण कर रहे भी इतने तो सुचेत बड़ी संगत है तुम तो दूजे गुरुद्वार नालों भी आवाज़ थोड़ी मध्यम है थोड़ा गज के पढ़ो जी बड़िया सौखियां तुकां ने एक बेनती और भैनों थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ जी बाकी संगत तुम वीरो बेनती अगे आ जाओ बाकी संगत है कि पिछले बैठ जाओ यह भी एक समस्या भी मैं कला बोल रहा तुम पिछे बैठे हो वेखो जी हूँ जो बैठ गए ना गर्मी की परवाह ना करो ये हूँ कोई गल नहीं ये हूँ जे साधन जिन्ने बख्शे ने कोई गल नहीं मालिक कृपा करे जे सानूं अद्धा पौना घंटा घंटा दो घंटे गर्मी च बहना पै जाए तो कोई समस्या नहीं इस करके बेनती है जी सारी संगत बाणी दे नाल तुकां दा पाठ करिए भी भटकदियां होइयां कुराए पिया होइयां मनुख दे मन करके कई जन्म बीत चुके हैं इत्थे तन दी गल नहीं हो रही इत्थे गल हो रही है मन दी मन करके बंदा पता नहीं माता दे गर्भ तों जदों तों निकले है पता नहीं किन्ने जन्म लै चुका है ते किन्नी वार मर चुका है एक बार सारी संगत रल के पढ़ो जी परमत फिरत बहु जन्म बेलाने परमत फिरत बहु जन्म बेलाने गज के पढ़ो जी तन मन तन नहीं धीरे तन मन तन नहीं धीरे तन मन थन नहीं धीरे तन मन थन नहीं धीरे लालच बेख काम लुभ दराता लालच बेख काम लुभ दराता ये पता क्यों समस्या आ रही है जी असीं बाणी कदी कदी पढ़ते साध वेलो किदां धारना पढ़ाते बाबा मेरी गड्डी आउंदी बाबा मैनू रोण आउंदा बाबा मैनू झलकारे पैंदे बीबियां किदां पढ़दियां किदां संगतां उत्थे गूंजां पैंदियां ये शब्द ने सतगुरु जी की बाणी दे चलो आपां सौखियां तुकां पढ़ लैणे जिहड़ियां तुहानूं वी आउंदियां ने जी बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी इत्थों गले च आवाज़ कढ़ो जी बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मान गुरबाणी कह सेवक जन मान परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम
गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जियो, सतगुरु का दर्शन पाए जियो, भगत ना जी कहते ने परमत फिरत बहु जन्म बिलाने, भटकदे होया बड़े जन्म बीत गए, बड़े जन्म लंघ, केड़े जन्म मन दे बाणी विचों ही आपां इहदी व्याख्या लवांगे भी मन करके बंदा किन्ने जन्म लैंदा है। आवागमन असीं जदों बंदा चढ़ाई करदा ना ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अग्गे खलो के अरदास दा असीं पहरा बोलदे हां भी महाराज फलाने फलाना व्यक्ति अपने तुहाडे वल्लों बख्शी होई सवासां दी पूंजी भोग के महाराज शरीर चोला त्याग चुके ने, इन्हां नूं जम्मण मरण तों बचायो, आवागमन तों मुक्त करियो। आम असीं एक लफ्ज़ बोलदे हां जदों बंदा चढ़ाई करदा, पर बाबा कबीर जी पता की कहिंदे ने भी आवागमन एक एक सकेंट विच हो रहा बंदे दा, एक एक सकेंट विच एक एक निमख दे विच बंदा मर रहा है ते जन्म लै रहा है। आ सुनियो, पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे आवागमन होत है। अगे की जी भला फोन फोन ए प्रसंग न टूटे, ये प्रसंग टूटता ही नहीं, कदी बंदा किसी का धन वेख के मर जाता तो कदी किसी का धन वेख के मर जाता, किन्नी बार बंदे का जम्मण मरण का चक्कर बनया होया जी। पर धन पर तन पर पी निंदा, पर अपवाद न छूटे आवागमन होत है। फोन फोन आवागमन फोन फोन हो रहा, सकेंड सकेंड विच हो रहा है। ए प्रसंग न टूटे, ए प्रसंग ए लड़ी टूट नहीं रही। परमत फिर तो बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं ठीरे। अच्छा जम्मण मरण का चक्कर बनाउंदा कौन है भला, किहदे कारण करके बंदा इस मन के जम्मण मरण में पैंदा है। आ सुनियो गल, भगत धन्ना जी कुछ कहिंदे ने, लालच बिख, लालच नूं ना सतगुरु की बाणी ने की आख्या भला, बिख दा अर्थ पता है साध संत की है भला, की है भैणों भला, जहर। ते जहर नाल बंदा की हुंदा भला, मर जांदा है। दुनियावी जहर बंदा थोड़ी जी खा ले ते शरीर की लीला मुक जाती है, जिहड़ा बंदा सदा वास्ते कालवास हो जाता है मर जाता है। इत्थे मन करके बंदा जहर चख रहा भला लालच, इस लालच के जहर बारे बंदे नूं पता है ना, हुण ये लालच का जहर ही बंदे नूं जम्मण मरण के चक्करां विच पा रहे। बाणी लालच तों मुक्त कर दी, बाणी च लिखिआ है ना, लालच छोड़ो अंधे हो, लालच दुख भारी, हे अन्ने हो, हे मन दे पिछे लगे हो, लालच छड़ दिओ। लालच बंदे नूं दुखी करदा है, लालच नाल बंदा जीवन तबाह कर बैठदा है। लालच बिख, हुण वेख लो साध संगत, लोग पखंडियां कोल ना नाम जपण दे तरीके पुछण जांदे ने, लोग पुछण जांदे उन्हां कोलों जिहड़े वेहले बैठे, बाबा जी रब रब किवें पाउणा, धरती की हिक पाड़ के अनाज पैदा करन वाले की सुरत विच्चों किन्ना सोहना शब्द उपजिआ है। जिहड़ा धरती की हिक पाड़ के अनाज पैदा करदा है, जिहड़ा बलदा मगर तुर के वाही करदा है, उहदी सुरत विच्चों किन्ना कीमती किन्ना वधिया शब्द जन्म लिया, जिहड़ा दुनिया नूं दसदा पिआ भी लालच ना करो। की भगत धन्ना जी जो शब्द पढ़ रहे विचार रहे होंगे कि उन्होंने कितने भोरे च बैठे हैं, किसी ने विखाया भी उन्होंने भोरे च बैठे ने, ये तो ब्राह्मणा ने साखियां ऐसा घड़ घड़ के साड़ी झोली में पाती हैं, शायद गुरु अर्जन साहब वेले भी प्रचलित करता ही, तो गुरु अर्जन साहब ने भुलेखा कढ़ने वास्ते इन भगतों का उदाहरण देनी पई भी भगत नामदेव जी का किवें जीवन तब्दील होया,
भगत रविदास जी के जीवन च की तब्दीली आई, बाबे कबीर ने किवें निरंकार की प्राप्ति की, भगत सैन ने किवें निरंकार ना सांझ पाई, तो फिर अखीर ते उन्होंने भगत धन्ने का जिक्र भी उस शब्द में किया। हुण अंदाजा ला लो, ये तुहानू भगत किते भोरे च बैठे नज़र नहीं आउणगे। सारी बाणी पढ़ के वेख लो, भट्ट ने, भगत ने, गुरु साहिबान ने तुरदिया फिरदिया प्रचार किया मानवता की, जो समाजिक समस्यावां सन उन्हां समस्यावां नूं वेख के उन्हां दे हल कीते। अज संसार ते गृहस्थी बंदा, हल वाहुण वाला बंदा, दुकान करन वाला बंदा, बिजनेस व्यापार करन वाला बंदा, भला साध संगत धर्म किहनां कोलों पुछण जा रहा जी? जेड़े लोग इन्हां चीज़ां तों भगौड़े ने उन्हां कोलों जाके धर्म पुछदा पिया। हुण भगत धन्ना जी दी सुरत विचों किड्डा सोहणा शब्द पैदा होया, लालच बिख, लालच बंदिया यहर है। हुण साध संगत दुनियावी यहर तों तां बंदा बच जू, पर आ यहर ते बंदे दी सुरत विच है, इहतों किवें बचूगा जी? जिहड़ा लालच बंदे नूं रोज़ मारदा है रोज़। वैसे एक बेनती करां साध संगत, लालच पदार्थां दा, किसी को वस्तु लैण का लालच ये दुखी करता करता, कभी तजर्बा करो। निकी जी उदाहरण देने लगा, खाण का लालच भी बंदे दुखी करता। तुम अपने घर बैठे हो ना, रोज़ पता है कि सानू इन्ना नमक पसंद है सब्जी, इनिया मिर्चा पसंद ने, इदा की सब्जी साडा परिवार चाहता। माँ को पता होंगे, पत्नी को पता होंगे, जो घर प्रशादा तैयार करते हैं। बंदा पैलस में चला जाता है, पैलस में जिहड़ी भला घर में खाने की शैली होंगी है पैलस में बरकरार रही है, उत्थे बंदे बहुत वधी एक लालच जन्म लैंदा भी इत्थे मैं 250-100-500 सगन पाया, इन्नियां रेहड़ियां, इन्ने स्टाल लगे, इत्थे टिक्कियां ने, इत्थे गुलाब जामुन ने, इत्थे गोल गप्पे ने, इत्थे फ्रूट है, इत्थे जूस है। मैं उदाहरण देने लगा, पदार्थों की गल तो बहुत दूर, खाने की गल दसन लगा। भला जो बंदा पैलस तो रात को आता, पैलसों जो घर आता, भला भला घर आ के रोटी खाता, वो तो चूरन लभदा फिरदा घर आ के, भी मैं चूरन मिले, मेरे की बुरी हालत है। कई बार रात में उठ के वेड़े तुरिया फिरदा, तो यहो जी मैं समस्यावान आईया भी घरवालियां रात को फोन करना पैंदा, डॉक्टर भी डॉक्टर साहब छेती आ जाओ, नहीं तो हो सकता सवेर में मैं भाणा कोई होर ही वरत सकता जी, जिस हिसाब ने खाया। अंदाजा ला लो, भला घर का भोजन खा के भी इदा होया कभी? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि पता है भी इतने घर भी अपना, पेट भी अपना, उत्थे पता भी 1500 सगन दिता भी कुछ ना कुछ। बंदा बदों बदी लालच करता उत्थे, तो वेखो मर्यादा कोई नहीं उत्थे खाण दी, उत्ते कोक पी लेना, उत्ते ही आइसक्रीम खा लेनी, उत्ते फेर चटनियां, जलेबियां, पकौड़े, पता नहीं की कुछ। उधर ढिड भी आंदा भी अज बंदा इहो ही है, ये तो इदा भी जिवें बड़े दिनों का भुखा छड्डिया होवे। माफ करना, यह साडे समाज की हालत बन चुकी। एक मैं उदाहरण दिती है, बाकी संसार से मंग रखने वाली गल तो बहुत दूर की है, भी कोई दाज की मंग रखता, कोई बंदा अफसर जिहड़ा दूजे को रिश्वत की मंग रखता, जो संसार से हर बंदा दूजे को दाल, यह तो यार बहुत दूर की गल। एक निका जहा खाण का लालच भी बंदे नूं बे आराम कर दिंदा है। बाकी किसी तो वड्डे पदार्थ का लालच होता जीवन तबाह करूगा ही, खाण का लालच भी दुखी करता है। किड़ी कीमती गल कही है जी भगत धन्ना जी, लालच बिख, लालच जहर है, छड़ दे बंदे। काम लुभद राता, काम दे विच लुभाए मन होया पिया, ते की विसर गया भला? मन विसरे प्रभु हीरे, प्रभु हीरा मन विचों भुल गया। जे प्रभु यद अर्थ लालच आना इस गल की निशानी है, रब भुल गया। जिहड़ी सस दावा करदी ना मैं रब पाया, मेरे को रब है, जे लालच है तो रब कित्थे प्यारे हो? जिथे रब है उत्थे लालच नहीं, बिल्कुल लालच नहीं, उत्थे संतोख है, उत्थे सबर है, उत्थे सबर जीवन दे विच आ जांदा है, जिंदगी जीण दा इहो ही तां गल आखी है सतगुरु की बाणी ने। ਹੁਣ ਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨਵੇਂ ਜਲੇਨ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨਵੇਂ ਜਲੇਨ, ਹੁਣ ਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ?
महासंतोख होवे गुर बचनी। ये जरा संतोख है ना गुरु के बचना चो मिलता, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान। जो संतोख आ गया ध्यान आप ही लग जाना, संतोख होना ही निरंकार ना ध्यान लगना। सात संगत बेसंतोखा बंदा ध्यान ला ही नहीं सकता, संतोख तो सखना बंदा सच ना जोड़ ही नहीं सकता। लालच वेखो काम लुभ दुराता, मन बिसरे प्रभु हीरे। मन बिसर गया प्रभु हीरे भी, मन विचों प्रभु हीरा जीवन विचों निकल गया, क्योंकि ये चीजा आ गया, लालच आ गया, वासनावां जीवन च आ गई। मन बिसरे प्रभु हीरे, वेख फल मीठ लगे मन बौरे। इस मन की चंगा लगता, वेख फल, वेख कहते यार, यार दे फल इस मन बड़े मिठे लगते। वेख लो साडे समाज की हालत, तीन तीन घंटे गंदे, तुसी दूर की जाना। हुण थोड़ा जिहा एडवांस आ गया जमाना, हर घर सीडियां आ गई, VCR आ गए, आ केवल डिश लगी हुई है। नहीं तो अज तो थोड़ा क समा पहला जो ये चीज़ा घट सन, तो बहुते लोग एडवांस अपनी फैमिली नाल महीने च एक बार मूवी वेखण जाते थिएटर च, परिवार परिवार समेत बच्चे लैके। हुण तीन घंटे उत्थे बंदा मूवी वेखदा, तीन घंटे ढाई घंटे फिल्म वेखदा, भला उत्थे थकदा अकदा? ये कभी होया भी परिवार का एक जी कहे तुसीं फिल्म वेख आओ घर आण के मैनूं स्टोरी सुना दिओ, सर्कस लगी होवे अपने लगे? कभी इदा होया भी बंदा कहे दो जी घर दे वेख आउण बाकियां नूं आण के दस दिओ सर्कस विच की हुंदा है? पर जदों उहदा धर्म दा मसला, उदों बंदा इंज करदा, बेबे कल्ली जाके गुरुद्वारे प्रसाद सारिआं लई, बोल के दसो जी, बेबे कल्ली जाके गुरुद्वारे प्रसाद सारिआं लई लै आई। मूवी सारिआं नूं वेखणी पैणी है, सर्कस में सारे जाना पैना, वो देख लो भी एक आ स्टोरी सुना दू। टीवी हूँ आप अगे वेख लिया, टीवी सीरियल ही घर च लगा हों, कभी इदा होया? टीवी सीरियल भी बंदा आप अगे बैठ के वेखता है। अज मन यहर के फल किन्ने मिठे लगते हैं, गाने मिठे लगते हैं, बाणी का कीर्तन मिठा लगता। सत्संग प्रचार के बड़े साधन है, वैसे बाहरली कंट्री के सिख हूँ एडवांस हो गए साढ़े ना, उन्हें वह लम्मा लम्मा दू टूर लैके जाते हैं ट्रकों का, 12-12 घंटे ट्रक चलाते हैं, उन्होंने को साधन ने, इंटरनेट भी हैगा, वो नाल रेडियो तो भी सुन लेंगे, सीडियां भी सुन लेंगे, गाने भी सुन। इदा एक नौजवान अनकोदर के लागे पिंड है, वह अमेरिका रहा है नौजवान, वो नौजवान कहता वीर जी मैं 12 घंटे रोज़ ट्रक चला, 12 घंटिया चो 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे मैं अपनी गड्डी गाने सुनता से। कहता सबब वालों मैं सीडियां मिल गई, कहता हूँ 8 घंटे गाने सुनता से, हूँ 12 घंटे मेरी गड्डी दे विच मेरे ट्रक दे विच, जिनी देर मैं ट्रक आप चला शब्द गुरु की बाणी की विचार सुनता। कहिंदा सुन सुन के मैं बहुत अपने आप नूं उधर ढाल लिया, पढ़न दा तुसीं हैरान हो गए ना, बाहर दीआं कंट्रियां च ट्रक चलाउंदे किताब पढ़ लैंदे अगले, क्योंकि लम्मा रोड बिल्कुल ना इधर, एक जना पढ़ता दो चौं नूं लग के सुनांदा, इन्ने इन्ने एडवांस ने उन्हां कोल, ट्रक चलाउंदिआं वी पढ़न दा टाइम हैगा, बाणी विचार दे सुन लैंदे ने। साधन इत्थे भी हैगे साडे कोल, साडी हालत असीं आनंदपुर साहिब नूं यात्रा लैके जावांगे ना अपने परिवार नाल गड्डी च बह के, इतों सारे जा गाने सुनते जावे, सारे जा गाने सुन चले यात्रा ते आ, चले धार्मिक स्थान ते, ते गाने सुन रहे हैं। एहो जे टब्बर बैठे ने जिथे अपनी धी भी विच गड्डी च बैठी है, पुत भी गड्डी च बैठा, तो गड्डी च गंदे गाने चल रहे हैं, भला उस बाप ने एक बार नहीं सोचा भी तेरे तो डर के इन्हें सुधरना सी? जिथे बाप दे लागे पुत बाप दे कट्ठे बैठ के गंदे गाने सुन रहे हैं, बच्चा दसो भला के तो प्रभाव कबूलेगा जी? दो मिनट सोचो, सत्संग कारा साढ़े घर है ना, साढ़े घर साधन है ना, जिथे बाप आप गाने सुनता है, आप गाने सुनता तो बच्चा लागे बैठा है, दसो इसे बच्चे ने तो बाप का प्रभाव बोलना सी, मेरा बाप की सुनता, जो मेरा बाप सुनता वह मैं सुना, उन्हें यह सोचना भी मतलब गाने सुनने चंगी गल, जो बाप सुनता चंगी गल ही होगी ना, वो तो दो नवियां बाजार च होर लैके आओ अपनिया, जे थोड़े को कारा है ने अपन कारा चंगी सीढ़िया रखो, चंगी सीढ़िया रखिया जा सकदियां, चंगी सीढ़िया होनगियां अपनी, क्योंकि एक मैं उदाहरण देने लगा, इन्नी बरीकी नाल पब्लिक सानू वेखदी है, भाई सुखविंदर सिंह जी ददेर आओ अलगों कोठी है पट्टी लागे, उत्थे कैंप लाया 400-500 लड़कियां दा, उत्थे कॉलेज है जिथे कैंप लगा, तो मैं भी उत्थे कैंप विच गया, तो मैं अपनी गड्डी लै गया, जो मैं तुर लगा ना सुखविंदर सिंह मौके इस गल के गवाह ने, जो तुर लगे प्रिंसी अंदर मैं बोल के आया, लैक्चर करके आया लड़कियां दे नाल अद्धा पौना घंटा, जो मैं गड्डी बह के तुर लगा ना उस स्कूल कॉलेज का प्रिंसीपल भज के आ के
बाद में सिकंदर सिंह ने कहा तू नोट की थी ये गल, मैं क्या मैं तो नहीं नोट की थी, कहता ध्यान ना क्योंकि यह गड्डी चलाने लग पे वह प्रिंसीपल दूजी बारी थानी अंदर वड़ के तो मैंने कहता भाई साहब जी थोड़ी कथा की सीढ़ी तो नहीं हैगी, उन्हें जिन्हें मेरी गड्डी सीढ़ियां पे सारिया असल में उन्हें चैक कीतियां भी जिहड़ा हुणे सानू लैक्चर करके आया जी अपनी गड्डी च भला सीढ़ियां किदां दीआं ने, यह गड्डी चला रहे सन, मैं जे मैं बाहर सी ये मैनू बाद चाहते तुम नोट की थी भी प्रिंसीपल ने आ के अपनी गड्डी चैक की है तो उन्हें उन्हों जे कैश लैनी होती तो मेरे को मूँह मंग के लैसा भी थोड़ी कोई सीढ़ी नहीं हैगी कथा को मंग भी सकता सी, इन्नी बरीकी नाल जिहड़ा स्टेज पर बंदा बोलता है पबलिक वेखती है भी जिहड़ा सानू लैक्चर कर रहा भला इहदी अपनी गड्डी विच इदां दे गंदे गाने दी कैशटां ते नहीं, दो मिनट तुसीं सोच के वेखो जे घर बाप इदां रहे बाप हुण मान लिया गड्डी घर डकदी है पुत्तर भी बाजार लैके जा सकदा जे गाने दीआं कैशटां, पर बाप बड़े चलाक जी वो पेन ड्राइव रख लैंदे पर्स च पा के, वो कहिंदे पुत्त नूं दसणा जरूर है पेन ड्राइव च कि फोटो आउणी है, थोड़ा सानू थोड़ा जिहा अपने आप नूं सुधरना पैणा है ना, अपने आप नूं सुधार करना पैणा, थोड़ा जिहा अपने आप नूं बदल ली जे चाहुंदे आ कि साडी पीढ़ी बच जाए, तो नहीं पढ़ सकते सुन लो हुण कई बंदिआं दा काम इदां दा भी एक घंटा उहनां नूं गड्डी ते जाणा पैंदा जिसे उहनां दा कारोबार, एक घंटा रोज़ सुन लो रोज नेम पाल लो भी आप जप विचार की बार सीढ़ी पई है स्टाल दे उत्ते 40 घंटे का मैटर है 40 घंटे मतलब बंदा जे रोज एक घंटा दो घंटे रोज सफर करे तो अंदाजा लाओ 20 दिन तो बन्ने हो गए ना बंदे दे 20 दिन उन्हें सत्संग कर लिया, तो माफ करना जप विचार दी सीढ़ी सुन के ना पता नहीं किन्नियां ने अपने विचार बदल ले भी हद हो गई, इन्नी देर के जपजी साहब पढ़ते सानू पता ही नहीं, साड़ियां गड्डियां पहली गल तो साड़ियां गड्डियां च गाणियां दीआं कैशटां बसां च गाणियां दीआं कैशटां जे थोड़ियां जिहां दूजियां रखियां तो पता किन्हां दे रखियां बाबियां दे चिमटियां दीआं उह चिमटे इदां वजदे सुर करदिआं करदिआं पौणा घंटा उन्नी देर जदों तक फगवाड़ा आ जांदा, माफ करना साड़ी हालत यह है कईआं बसां वाले नूं कहिआ भी हद हो गई तुसीं जपजी साहिब दी विचार रख लो कोई ऐसी रख लो भी जे कोई अद्धा पौणा घंटा बस विच वी बैठा उहनूं वी कुछ ना कुछ मिल सके, सानूं अज जे अज नौजवान गुरुद्वारे नहीं ना आ रहा सानू यहोजा तरीका लभना पैना जिथे नौजवान बैठा गल उथे पहुंचा दीए, तरीके बदलने पैणगे ना भैणो, जे आप चाहते हैं भी नौजवान गुरुद्वारे नहीं आ रहा एक बार तुम नौजवान तक गल पहुंचा जिथे जिम है एक बार हिम्मत करके देखो थोड़े इतने जिम कई होने उन्होंने कहो भी तुम कई होंगे नौ ना वर्जिश करी जाएंगे तो नाले गाने चलते होंगे ने जिम के भी अजक इदा चलता जिसे हेल्थ क्लब ने उसे गाने चली जाते गंदे तो वर्जिश उत्थे दो जान जान भी नौजवानों तुम इतने इन्नी सोहनी सेहत वास्ते गल्लां कर रहे जे भी सेहत होवे तुहाडी आ माड़ी जी सुन के वेखो भला, मैं कई ऐसे जिम वेखे जिथे विचार बदले उन्होंने कथा दीआं सीढ़ियां लाउणियां शुरू करतीआं बाणी दी विचार दीआं सीढ़ियां लाउणियां शुरू करतीआं, एक दो वार नौजवान ने सुन लिया ना फिर तुरे आउणा उहने जे 50 ने सुन लिया 50 चों 5 भी इधर तुर पे ना 45 नहीं भी तुरे उन्हां 5 ने 45 चों मुड़ के दूजे खिच के लै आउणे, तुहानूं इदां दा तरीका लभणा पैणा जे आपां डीकी गए ना भी आपे नौजवान ने आपे नहीं आना ना 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 बिल्कुल ये गल ये अपनी सुरत विचों गल कढ़ दिओ उन्हां नहीं आना उन्हां तक पहले एक बार गल लैके जानी पैनी है, किसी ने कोई चीज़ ना खाधी होवे ना उन्हूं एक बार वो चीज़ का स्वाद विखाउणा पैना, एक बार स्वाद विखा दो मैं दावे ना कहना एक बार स्वाद वेख लिया मुड़ के उन्हें लभदे फिरना भी आह चीज़ सानूं मिलेगी कितों, ऐसे नौजवान स्टाल ते आउंदे ने आ के पुछदे ने भी आह चीज़ सानूं साडा दोस्त बाहरों आया कि चिप दे गया सानूं भी असीं सुनी हद होगी बाकी चीज़ां कितों मिलणगियां, जिन्हें भी वीर तुहाडे सामने बोलते हैं सारिया दी सीढ़ियां लैक्चर विचार हर एक दिन स्टाल के उत्ते पईआं ने, मतलब एक साधन अपने अंदर एक भुख पैदा करनी पैनी भी जिहड़ा जिहड़ा तुहाडा नौजवान फील्ड हैगा भी मैं अपने नौजवान भरा तक गल पहुँचावा इतने जिन्हें जिम ने उन्होंने तक पहुँच करो उन्होंने तक गल पहुँचाउण की सानूं जिहड़ी आदत पाउणी पैणी, जिहड़ा मन है ना इहनूं यार चंगा लगता है इस मन क्योंकि मन नूं बाणी च पंखी आखिया कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिश जाए, यह मन पंछी है यह निमते जिमें पंछी बहिंदा तो उत्थे भी एक बार चुंझ मार के बहिंदा भावें उहदी उहनूं मुड़ के कौड़ी लगे निम उह तरेकते भी बहिंदा किकर ते भी बहिंदा सारिया थावां ते एक बार चुंझ जरूर मार के बहिंदा, मन भी तो पंछी है ना यह जिथे बवेगा एक बार चुंझ तेने मार ही लैनी, पैलस में पऊगा गाना भी सुन लैना इन्हें गुरद्वारे आऊगा कीर्तन भी सुन लैना फलाने बस में बैठा गाना भी सुन लेना फिर उत्थे कई बार बस ज्यादा भरी होंगी ना गाड़ी आ जाती है पब्लिक टीवी अगे फिर ऐ औखे हो कई बापू वेखणगे, मैं फगवाड़े जा रहा सी जलंधरों लुधियाने 4 साल पहले की गल मैं हैरान सी भी बापू अपनी बेटी के नाल बस में बैठा गाने चल रहे हैं
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨੀ ਸੀ ਫਗਵਾੜਿਓ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਯੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੱਸ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਅੜ ਜਾਣ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਲਾਇਆ ਬਈ, ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਾਣੇ ਬੱਸ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੂਗਾ ਕੌਣ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਇਸ ਮਨ ਬੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਫਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨੇ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਅਨਭਾਂਤੀ। ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਅਨਭਾਂਤੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਭਾਵ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ, ਆਹ ਤਾਣਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ। ਮਨ ਖੁਦ ਆਪ ਬੁਣਦੇ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਛੱਡ, ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ, ਪੜੋ ਜੀ, ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ। ਔਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਪਾ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਰੇ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਊ ਜੇ ਔਗੁਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕਾ ਥਾਵੋ, ਕਰੇ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ, ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੂ, ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨੇ। ਬਦਲ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿੱਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਅਨਭਾਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਣੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਮਨ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਪੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਲਾ ਵੱਢਣਾ ਸੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ
तिसे न जाने फिर फिर आवे जाए कुदम करे पच पंखिया दिसे नाही काल उते साथ मनुख है फाथा माया जाल मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल भिक फल मीठ लगे मन भौरे चार विचार न जाने गुण ते प्रीत बड़ी अन पांती जन्म मरना फिर ताने जुगत जान गुरु को आके जुगती नहीं सीखी इन्हें केड़ी जुगती नहीं सीखी जी जिंदगी नु सोना बनाउण दी जुगती नहीं सीखदा गुरु को जुगत जान नहीं हृदय निवासी गुरु को सोना जीवन जीवन दी जुगत सीख के हृदय विच गुरु दे शब्द दा निवास नहीं कराया इन्हें जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे जलत जाल ए त्रिशना विच सड़दे हुए नू जमा दियां फाइयां ने आण के रिया जमाने नू ग्रस लिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बेक फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्राप मन बिसरे यार दे फड़ा नाल नको नक एदा भर गया ओ परम पुरख दयालु कृपालु परमात्मा दी सुरत विचों सदा लई निकल गया जो परमात्मा निकल गया फिर की हुंदा सास नूं सुणियो हर बिसरत सदा खुआरी रब भुल जाए तो की हुंदा जी भला खुआरी पले पैंदी है जिन्हां दे घरां विचों रब निकल जाए जिन्हां टब्बरां दे विचों जिन्हां परिवारां चों सतगुरु दी बाणी निकल गई उन्हां परिवारां दी हालतां वेखो विलक रहे ने अज अज तरह तरह कर रहे ने जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विललाए जिवें पक्का रोगी विलकदा है तां उह विलकदे ने जिन्हां घरां विचों सतगुरु दी बाणी निकल गई सतगुरु दी बाणी दी विचार निकल गई किन्नी कीमती गल गुरदेव ने कही है किन्ने कीमती शब्द साहब ने साड़ी झोली विच पाए हैं दाता जी कहते हैं तेरी सुरत विचों निरंकार निकल गया हर बिसरत सदा खुआरी परे भी नाल आखिया ताको धोखा कहां ब्यापे उन्हां नूं कोई विकार किवें छल सकदा जा को ओट तुहारी उह तां किसे वकार नूं पर नहीं मारन दे अपने लागे जिन्हां नूं आसरा मालक दा ना उमर है ना ठाके जाहे जिनके राम वसै मन माहे जिन्हां दे मन विच रमिया होया रब परमात्मा वसदा उह किसे वकार कोलों ठगे नहीं जांदे कोई वकार उन्हां नूं ठग नहीं सकदा ना ਉਹ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆਣਗੇ ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਏ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਉਦਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਬਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੱਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੱਪ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕੁਮਾਵੇ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਵੇ ਪਰ ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋ ਹਾਰੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਬਾਣੀ ਸੁਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ
सो सुखिया तन उस जन्म नानक तिस बलिहारी। जेड़ा ओदे आसरे रहिंदा वह सुखी है। तो गुरुदेव जी कहते मैं ऐसे व्यक्ति तो बलिहार जाना कुरबान जाना हाँ। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जल जम फंद परे बिख फल संच भरे मन ऐसे नको नको यार दे फला ना भरिया पिया। परम पुरख प्रभ मन बिसरे वह परम पुरख दयालु कृपालु परमात्मा मन विचों उड़ गया खंभ ला के निकल गया परमात्मा निकल गया तो मनुख जीवन दुखी हो गया। पर पातश भगत अन्ना जी अगे कहते हैं ज्ञान प्रवेश प्रवेश रूपी ज्ञान ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया। गुरु धन दिंदा साध संगत असी तो कच्चा धन गुरु को मंग के तुर पे ने बहुते लोग तो कच्चा धन गुरु को मंगते गुरु असली धन दिंदा असली धन है गुरु को असली धन कि सुनो काचा धन संचय मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार। इत कच्चे धन का अर्थ पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात बैंक बैलेंस ये कच्चा धन नहीं कई इनू कच्चा धन कहें जे कच्चा धन है तो फिर इन्हें संसार के काम इस पैसे तो बिना किवें होणगे। धार्मिक इमारतें तैयार होंदिया ने बंदा रोटी तो बिना नहीं खा सकता तुसी कोई कार्य इस पैसे तो बिना नहीं कर सकते। गुरदेव जी के वेले जिन्हें भी कार्ज होंगे सन पैसे नाल होंगे सन ये खास करके साधा के डेरिया वालों ये चीज़ा प्रचारियां भी छड़ दो अवर काज तेरे कित ना काम भी अवर काज तेरे कित ना काम भी आज तू खेतीबाड़ी करदा दुकाना करदा बिजनेस करदा ये तेरे काम थोड़ा होना भी शारिश डा के साडे वर्गा हो जा भी मलंगो सारे तुहाडे वर्गे हो गए लोग रोटी कितों खाणगे भी थोड़ा बहुत तो लोगों किरत कर लैन दौ बहुते लोग इदा ही प्रचार साड़िया धार्मिक स्थितियां तो इंज ही काम हो रहे हैं अवर काज तेरे कितने ना काम ताइयो लोग सवाल करते इतने अवर काज का अर्थ है रब दे नाम लैन तो बिना गुरु की मत धारण करन तो बिना आ बाकी जेडे तू धर्म के नाते अडंबर कर्मकांड करना यह तेरे जिंदगी जीवन में कितने भी काम नहीं आने। बाकी आ कम इतने कच्चा धन का अर्थ की है जेड़ा तू अपनी मत दे पिछे लग के विशे वकार बुरियां आदतां कठियां कीतियां ने एक कच्चा धन जिंदगी जून विच तेरे किते भी काम नहीं होना। सुनो महाराज की कहते काचा धन संचय कठा कीता मूर्ख गवार मन मुख भूले मन दे पिछे तुरन वाला भुलिया होया मन मुख भूले आंद गवार बिखिया कै धन ये बिख बिखिया का धन उत्ते आ गया से ना बिख लालच लालच कट्ठा लालच ज्यादा वजना यह लालच का धन का वाशनावा ज्यादा होनी है यह धन क्रोध होना होमे होनी यह धन बिखिया कै धन सदा दुख होए यह धन तेन सदा दुखी करता ना साथ जाए कितने साथ जाए जी अगे ना 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 भाव तेरे जिंदगी जून विच किते काम नहीं आना साफ जायदा अर्थ है जदों तू जिंदगी जूएगा तो कोई भी धन तेरे काम थोड़ा आना तेरे तो दुखी लालच ने किनू सुखी किया जो कोई बंदा बाह खड़ी करे लालच ने मैनू सुखी किया कोई बंदा कहे होमे ने मैनू सुखी किया भाव जो तेरे काम ही नहीं आना जिमें बंदा बंदे ने पैसा इकट्ठा किया लोड़ पैण ते काम ही ना आए तो बाद कह जाएगा पैसे का फायदा की जिहड़ा लोड़ पैण ते काम ही नहीं आया जिहड़ा विशियां वकारां दा धन तू इकट्ठा किया तेरे काम ते आना ही नहीं ना साथ जाए ना प्राप्त होए हुण सच्चा धन कित्थों मिलना साचा धन गुरमति पाए गुरु की मत ते ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया साचा धन गुरमति पाए काचा धन फोन आवे पढ़ो जी की है जाए ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया। जो ये धन गुरु दिंदा ना फिर की हुंदा ध्यान सच नाल ध्यान जुड़दा आ जिहड़े लोग समाधियां लाउण जांदे ना फलाने थां ते बाबा जी दसम द्वार खोलदे ने फलाने थां ते बाबा जी कई पुछण आउंदे ने भी हुण दसम द्वार खोल जे लाइट जग पैंदी है उहनां नूं समझाईदा प्यारिओ इनवेटर फिर भी घर च रखना पैणा मीटर थोड़ा कटा दोगे जो थोड़े अंदर जग भी पिया तो ब
बल्ब कभी इदा हो किसी के अंदर दसम द्वार खुला हो जे कमरे नेरा हो कमरे लै जाओ भी ए कमरे चुने इन लई फिर हूँ चानण हो जाएगा कि दसम द्वार है जी अकल आ जानी दसम द्वार है चंगे माड़े की परख आ जानी दसम द्वार है ये लोग जाके बाबे को खिलाते फिरते हैं लोग जाके भजे फिरते हैं भी बाबा जी लैट जगा देंगे ने वो जो पहलियाँ जगदियाँ भी बजा देंगे ने सगों वैसे घुट के इतों अखा बंद की साड़ी समाज की हालत बड़ी वो पांडा पता की आंदा सी अगे बैठी पवन को आंदा सी तिना भवन का चानण तुहानू मैं इतने बैठिया करा सकता तिना त्रिलोकी का चानण करा सकता पर एक लफ्ज नाल कहिंदा सी कहिंदा हुणे उहनां नूं आ जिन्हां दे कर्म चंगे होणगे ते डर दे विचारे सही कही जांदे ने भी साढ़े अहीं कहड़ा पाप किया पापियां नूं ते होणे ही नहीं इदां ही साढ़े समाज विच है इत्थे तुसीं हुणे तजर्बा कर लो आपां उस चंद्रमा वल मूँह करके ना तां नूं कहीए भी गुरु नानक साहिब दी तस्वीर दिस रही चंद्रमा चों पर दिसणी उहनूं जिहड़ा पापी ना होया सारिआं कहिणा मैनूं दिस भी जी सारे क्योंकि पापी मनने तो तैयार ही कोई नहीं हर बंदा कहता मेरे वर्गा पुनी कोई नहीं मेरे वर्गा दान पुनी किसी ने नहीं किया पापी स्वीकार करने को तैयार है दुनिया से भी मेरे वर्गा पापी कोई नहीं कोई भी नहीं स्वीकार करने को ज्ञान प्रवेश गुरै तन दिया ध्यान मान मन एक मय गुरु के ज्ञान मिलने करके बंदा रब नाल एक मय का अर्थ एकमेक हो गया एकमेक पता कि हो गया गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी ए एकमेक हो गया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी ओदा विश्वास प्रेमा भगती ते आ गया उन्हूं गुरु दा प्रेम भगती चंगी लगी प्रेम भगत मानी सुख जानिया उन्हें आत्मक सुख जान लिया त्रिपत अधाने अंदरों रज गया मुक्त पए अंदरों मुक्त हो गया तो जिन्हें जींदे मुक्ति मिल जाए ना ओदे ते मरन तो बाद फिर भी नहीं उड़ीक करनी चाहिए भी कोई खंड पाड़ता भोग पवा के मगरों पाठी कहता फिर भी इन महाराज चरणा च नवास बख्शो तो जिंदे मुक्त हो गया जिन्हें जिंदे खलासी पा ली जिहड़ा जिंदे मुक्त हो गया उहदे मगरों रजाई तलाई कौली चिमचा सराहना गिलास बिस्तरे जे वो दे के तरले लैण की लोड़ थोड़ा वह तो जिंदे मुक्त हो गया प्रेम भगत मानी सुख जाने तृप्त अघाने मुक्त पाए तृप्त हो गया ते मुक्त हो गया जीवन अखीर च भगत अन्ना जी कहते हैं जोत समाए समाई हुई जोत एक रस व्यापक जोत परमात्मा की जोत समाए समानी जाके व्यापक परमात्मा की जोत जिदे हिरदे च समा गई परमात्मा तो सारे च ही है पर महसूस करने की लोड़ ना है जोत समाए समानी जाके उन्हें की किया अशरी प्रभ पहचाने जिहड़ा मालिक छल तो रहते जिन्हों दुनिया की कोई चीज छल नहीं सकती असी सारे छले जाने सानू तो कोई बाबा छल के लै जाता सानू कोई ज्योतिषी पांदा सियाने छल के लै जाते छले जा रहे हैं दुनिया किन्नी लुटी जा रही है किन्नी दुनिया लुटी जा रही है जी किसी को ज्योतिषी छल के लै गया किसी को बाबा छल के लै गया किसी को तांत्रिक पांधा छल के लै गया किन्ने छले जा रहे परमात्मा एको है जिन्हों कोई छल नहीं सकता जोत समाए समानी जाके अशली प्रभ पहचाने पुछिए तन्ना जी रब कितों पाया तुसी दस दिओ अज संगत नूं हुशियारपुर दी कहिंदे तन्ने तन पाया तन्ना जी कहिंदे ने मैं धन पा लिया मैं रब दा धन पा लिया कितों तन्ने धन पाया धरनी धर धरती नूं आसरा देण वाला धन कितों पाया मिल जाण संत समाने आ ओह ते कहिंदे मैनूं संगत विचों मिलिया तो जे पत्थर चो मिलिया हुंदा की अर्ज सी पत्थर दा नां लिख दिंदे पर पत्थर चो मिलिया होवे ते लिखदे ना ओह कहिंदे मैनूं संगत चो मिलिया बाहर ना जायो किते संगत विचों रब मिलदा शब्द मैं पढ़ दिना गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना आड दाम को शिपरो होयो लखीना भगत नामदेव जी रविदास टवंता इथे बस नहीं बुनना तनना त्याग कै
प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जो लहरा पयो गुणी गहीरा। कबीर की गल कर दिती। रविदास टोहंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया। सैन नाई जिहड़ा बुतियां करदा सी कदी लोकां दे घरां जाके ओ घर घर सुनिया हिरदय वसया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया। गुरु अर्जन साहिब जी कहिंदे आ सुनियो इन्हां चाहों वल वेख के ए बिद सुन के जागरो उठ। इन्हां चाहों वल वेख के भगत धन्ना जी भी मानसिक तौर पर उठ पए। ए बिद सुन के जागरो उठ भगती लादा मिलै प्रताख गुसाइया तन्ना वडभागा। प्रतख तौर पर रब के दर्शन कर लै तन्ना भी वड्डियां भागां वाला बन गया। गुरु कृपा करे साध संगत राग आसा का शब्द भगत तन्ना जी की रचना तो उच्चारण किया होया 487 अंक ते शब्द सुभायमान सी जिस दी आपां विचार सांझी कीती है। हुण अगे एक समागम उत्थे पहुँचना है। हुण मेरे तो बाद भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा सारी संगत दे नाल गुरमत दीआं विचारां दी सांझ करनगे। उन्हां तो उपरंत जो तुहाडे वल्लों सवाल जवाब होणगे जो सवाल होए भाई गुरजन सिंह जी रूपवाली नूं लिखा देना उन्हां सवालों के जवाब भाई सुखविंदर सिंह जी देर संगतां दे नाल जिहड़े सांझे करनगे। भाई हरजिंदर सिंह सबरा तो पहलां प्यारी बच्ची की ना जी जसलीन कौर वो स्टेज पर आ जाण ते वो कविता जिहड़ी है संगतां दे नाल सांझी करनगे। उन्हां तो बाद भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा संगतां दे नाल गुरमत दीआं विचारां दी सांझ करनगे। आओ इस एकाग्रता दे नाल बैठे रहना अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।